हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबकी मेरी चैनल जिसका नाम है रेसिपी सास बहू की। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का ढोकला, बिल्कुल बाजार जैसा। अगर सुबह के नाश्ते में कुछ नमकीन खाने का मन करे और चटपटा खाने का मन करे तो आप बनाइए सूजी रवा का ढोकला। ढोकला बनाने की जो सामग्री चाहिए आइए हम आपको बताते हैं। एक कप सूजी रवा ले लीजिए, एक कटोरी दही, तेल ले लीजिए, हल्दी पाउडर, चीनी, नमक, नींबू का रस, तड़का लगाने के लिए दो काटा हुआ पतला स्लाइसेस में हरी मिर्च, कढ़ी पत्ता, राई, इनो पानी ले लीजिए। बनाने के लिए सबसे पहले पेस्ट बनाने के लिए उसमें सूजी डालिए, फिर उसके बाद उसमें दही ऐड कीजिए। स्वाद अनुसार उसमें नमक डालिए और थोड़ा सा उसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिला लीजिए। और थिकनेस अगर दिख रहा है तो उसमें से हल्का सा पानी मिला मिला के और उसका डो तैयार कर लीजिए। इस प्रकार से ढोकला का डो बना लीजिए और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख दीजिए। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रखिए, फिर उसमें एक गिलास पानी डाल दीजिए और पानी गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए। तब एक थाली लीजिए और उसमें हल्का हल्का तेल लगा दीजिए। देखिए ढोकला बनाने का जो बैटर था वो तैयार हो चुका है। अब उसमें इनो मिला दीजिए जिससे कि हमारा ढोकला स्पॉन्जी बने और उसको अच्छे से मिला लीजिए। और उस बैटर को थाली में अच्छे से डालकर उसको सेट कर लीजिए। इस प्रकार से थाली में अपना जो आप पेस्ट बनाई थी ढोकला के लिए वो सेट कर लीजिए। पानी हो चुका है और अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो हम इस प्रकार से कढ़ाई में भी अपना जुगाड़ लगाकर ढोकला बना सकते हैं, इजीली बन जाता है। आप भी ट्राई कीजिए। अब इसको कढ़ाई में डालने के पास ढक दीजिए और गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और इसे आधे घंटे तक पकने दीजिए। अब हम देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम ढक्कन को हटा के अपना ढोकला चेक कर सकते हैं एक चक्कू के सहायता से। चक्कू डाल के देखिए, अगर चक्कू में चिपका हुआ नहीं हो तो समझ जाइए कि हमारा ढोकला बन के तैयार हो चुका है। देखिए चक्कू में बिल्कुल नहीं लगा है, अब समझ जाइए कि आपका ढोकला बनके तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और अपने ढोकला को गैस से उतार देंगे। हमारा ढोकला कितना मुलायम और सॉफ्ट बना है, इसे 2 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ढोकले को इस प्रकार से आप उसे पीसेस में काट लीजिए या अपने अकॉर्डिंग जिस प्रकार से आपको सुविधा होती है उस प्रकार से कट कर लीजिए। ढोकला को फ्राई करने के लिए गैस ऑन कीजिए और उस पर एक फ्राई पैन रखिए। गर्म होने के बाद उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल दीजिए। राई, कढ़ी पत्ता और जो हम मिर्ची स्लाइस में काट के रखे हुए थे वो डाल दीजिए और उसको 2 मिनट के लिए फ्राई कीजिए। जब तक से हमारा
कि जो तड़का लगाए हैं वो चटक न जाए अच्छे से। इसके बाद चीनी पानी का जो घोल बनाए थे वो डाल दीजिए। और उसके बाद उसमें नींबू का रस डाल दीजिए। और ढोकला पर पूरी अच्छी तरह से डाल दीजिए। ढोकला बन के तैयार हो चुका है। कितना अच्छा दिख रहा है ढोकला। अब इसे हम प्लेटिंग कर देते हैं। देखिए हमारा ढोकला बन के तैयार हो चुका है और कितना अच्छा दिख रहा है बनकर। देखिए ढोकला बन के तैयार हो चुका है। कितना स्पॉन्जी और मुलायम बना है। आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। और अपनी मानिए ढोकला जो है बहुत अच्छा बना था, बहुत मुलायम बना था। आप भी अपने पूरे परिवार को बना के खिलाइए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।